तो और बताओ क्या हालचाल तुम्हारे। सो बीबीट बस राइज करने हम सभी लोगों को बहुत सारे विलन्स दिखाए गए। फॉर एग्जांपल डेल्टा ज़ाकुरो, फॉर एग्जांपल आर्मिन कुसाबा एज अ राइवल विलन, फॉर एग्जांपल ऑर्थर पेनिड्रिक्स। बट इन सारे के सारे ब्लेडर में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर है उसका नाम है ग्वेन रेनॉल्ड्स। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट टू मेन थिंग्स रिलेटेड टू ग्वेन, बीबीट बस राइज की मेन विलन। और तुम लोग अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि ऑर्थर वर्सेस ग्वेन में कौन है एक्चुअल मेन विलन और बीबीट बस राइज, तो तुम लोग मेरे सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में साफ साफ बता दिया है हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट और एक्चुअल विलन इन बीबीट बस राइज। सो इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइस आप सब देख रहे हैं हैशटैग ब्लेज, मेरा नाम अभिषेक को। चलो यार बिना कोई बकवास किए आज किस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सम बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर जनरल ऑडियंस, वेन एक्चुअली कोई ब्लेडर नहीं है, ना ही ये एक्चुअली फीमेल है। मोस्ट प्रोबेबली तुम सभी लोगों को इस चीज का धोखा हो गया होगा बिकॉज इसका आउटफिट एंड लुक्स बिल्कुल एक फीमेल कैरेक्टर की तरह शो किया गया है, बट इन द एक्चुअल रियल लाइफ और आइदर आई कैन से इन द एनिमल लाइफ जो तुम लोग सोच रहे हो वो ये नहीं है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वाला रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्वेन को एक फीमेल कैरेक्टर से रिप्लेस किया जाने वाला था, इट मीन्स कि ग्वेन पर एक फीमेल कैरेक्टर ही होने वाली थी, बट ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम्स और उस टाइम जापान में वुमेन्स राइट का भी बहुत सारा इश्यू चल रहा था, जिस टाइम ये बेबलेट बूस्ट की मांगा लिखी जा रही थी, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी सेंसरशिप से बचने के लिए बेबलेट पूरा बीच का रास्ता निकाला और ग्वेन के कैरेक्टर को तो वैसे ही रहने दिया गया, बट उसके जो ये जेंडर है उसको चेंज कर दिया गया। तो तुम लोगों को क्या लगता है, ये चीज करना ठीक है या फिर नहीं है, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब जहां तक बात आया कि ये ग्वेन एक्चुअली ब्लेडर है कि नहीं है, तो यार इसका तुम लोग सीधे सीधे आंसर सुनो, ग्वेन कोई भी ब्लेडर नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वे इतने ज्यादा पावरफुल ब्लेडर कैसे बन गए, तो यार उसका भी मैं आंसर दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बेबलेट है जिसका नाम है जेनेसिस, वो कोई यूजुअल बेबलेट नहीं है। एंड आई नो कि जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसको सुनकर तुम सभी लोग बोलोगे कि भाई ये तो चीटर है, बट एक्चुअली ये चीज सब बेब्लेड के वर्ल्ड में अलाउड है, वरना ग्वेन कभी भी इस जेनेसिस वाले बे के साथ कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट खेली नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जेनेसिस वाला जो बेब्लेड है वो एक्चुअली बैटरी के ऊपर वर्क करता है, इट मींस कि उसका जो एक्सेस है उसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है। अब आई नो कि तुम लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो चीटिंग है, बट बेब्लेड के वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया है, तुम लोग इसको चीटिंग नहीं कह सकते हो। और इसी चीज के कारण जो ये ग्वेन का जो बेब्लेड है जिसका नाम जेनेसिस, उसको ना अल्टीमेट स्पिन या फिर मैं यू को इन्फिनिटी स्पिन मिलता है। और जहां तक बात रहा इसको बर्स्ट करने का, तो देखो इसको बर्स्ट करना भी नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि ये वही गिमिक पे काम करता है जिस गिमिक के ऊपर ऑर्थर काम करता है, इट मींस कि इसको बर्स्ट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। और इसके पास इन्फिनिटी स्पिन है, इसका जितना अजीब स्ट्रक्चर है ना, मींस इसका और अपोकलिस का जितना अजीब सा स्ट्रक्चर है जो इन लोगों को बहुत ज्यादा हैवी अटैक टाइप ब्लेड बनाता है, प्लस इन्फिनिटी स्पिन है, प्लस तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो बर्स्ट ही नहीं हो सकता है, इट मींस कि आपको बर्स्ट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपके पास डिफेंस भरपूर है, आपको स्टैमिना का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पास इन्फिनिटी है। और आपका बेब्लेड का शेप ही ऐसा है जो आपको हैवी अटैक टाइप ब्लेड बनाता है। एंड आई रियली नो कि यार इसका भी एक्चुअल अटैक टाइप का नहीं है, ऐसे बे को हम लोग मिक्स्ड हेरिडिटी बे कहते हैं जिसके अंदर सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, बट ये बैलेंस टाइप के बेस नहीं होते। ग्वेन की अगर एज के बारे में बात करें तो देखो बेब्लेड बस एवोल्यूशन में ग्वेन का फर्स्ट टाइम अपेरेंस हुआ था, बट उस टाइम इसकी एज को कंफर्म नहीं किया गया था, जस्ट एक छोटा सा कैमियो हुआ था जस्ट लाइक ऑथर। अगर तुम लोगों ने ऑथर का बैक स्टोरी नहीं देखा है तो तुम लोग इस वाले वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जहां तक बात रहा बेब्लेड बस राइज में इसके कितनी एज है, तो ये देखो उसको भी अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, ऐसे कोई भी ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है जो ग्वेन की एज को कंफर्म करती है, बट इसका बर्थ डेट को कंफर्म कर दिया गया जो है 14th of March। के पास का ब्लेड्स के बारे में बात करें तो इसके पास जनरली दो ब्लेड्स है, पूरे बेब्लेड की सीरीज में इसके पास अभी तक सिर्फ दो ही ब्लेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेसिस और आई कैन से रॉयल जेनेसिस, और एक और है जब रॉयल जेनेसिस के अंदर रिबूट सिस्टम लगा दिया जाता है और जब रॉयल जेनेसिस अपने पूरे फेज में कंप्लीट हो जाता है तब ये बन जाता है इक्लिप्स जेनेसिस। और मैं तुम सभी लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूं, जैसे बेब्लेड बस सर्ज ओवर हुआ था बेब्लेड ऑफिशियल्स ने एक चार्ट निकाला था जिसके कारण से उन सभी लोगों को ये पता चल गया था कौन कौन सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर्स है, इट मींस कि बेब्लेड ऑफिशियल ने खुद से सारे के सारे ब्लेडर्स का रैंकिंग निकाला था और उस वाली चार्ट में ग्वेन 9th नंबर पर रैंक करती थी, इट मींस कि इस वर्ल्ड में ग्वेन 9th सबसे पावरफुल ब्लेडर है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बात है। अगर हम लोग ग्वेन के पास्ट लाइफ के बारे में बात करें तो देखो ग्वेन जनरली अपने लाइफ में अलोन रही है और उसका सिर्फ एक ही फ्रेंड
एंड जो तुम लोग अपने स्क्रीन में भी देख सकते हो कि मॉम एंड डैड के बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अपने लाइफ में इतने अलोन रहने के कारण इस सोशल एंजाइटी है, मींस इसको दूसरों से बात करने में थोड़ा हिचकते हैं, जिसके कारण ये जनरली सबसे बात नहीं करती और बात करती भी तो उतना ज्यादा नहीं करती। अल्बर्ट आइंस्टाइन के सारे बुक्स को पढ़ के सबसे अपने एजुकेशन को क्लेम किया, जिसके कारण वो अपने बे को इतने परफेक्ट तरीके से बना पाई है। बीब्लिडोस वॉइस के बारे में सभी लोगों को एक बार भी ग्वेन का रीएंट्री नहीं दिखाया गया। कुछ ब्लेडर्स कहते हैं कि ग्वेन की ड्यू टू सम रीजन डेथ हो गई थी बीब्लिडोस वॉइस के बाद, और कुछ कहते हैं कि ग्वेन अभी भी अलाइव है। बट नो वन्स नो कि यार आफ्टर बीब्लिडोस वॉइस ग्वेन के साथ क्या हुआ।